तो आइए सबसे पहले हम पैन लेते हैं और इसमें जाएगा थोड़ा सा ऑयल। जैसे ही तेल गर्म हो जाए जाएगा इसके अंदर जीरा। लाल मिर्च और अब ये कटा हुआ प्याज इसके अंदर डालेंगे। ये देखिए गया कटा हुआ प्याज इसके अंदर, ये रहा। हम इसको थोड़ा फ्राई कर लेंगे। अब जाएगा इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट, चॉप्ड ग्रीन चिलीज, सॉल्ट, ये जीरा पाउडर, हल्दी, ये लाल मिर्च। अब जाएगा इसके अंदर जीरा, ये चॉप्ड अनियंस जो बहुत ही बारीक कटा हुआ है। स्टफिंग के लिए हम जो अनियन है बहुत ही बारीक काटेंगे। अब जाएगा इसके अंदर चॉप्ड ग्रीन चिलीज, आप चाहे तो ज्यादा भी डाल सकते हैं या कम भी, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब जाएगा इसमें धनिया पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, अब ये जो स्टफ है बहुत अच्छी तरह से भून चुका है। अब हम इसमें डालेंगे कसूरी मेथी, आप चाहे तो इसमें धनिया पत्ता भी डाल सकते हैं। अब हम इसको देंगे क्विक स्टर। अब ये मसाला रेडी है और ये अब जाएगा मैश्ड पोटैटो के अंदर। इस तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे। ये हो गया हमारा स्टफिंग तैयार। करते हैं स्टफिंग की तैयारी। इस तरह से हम आटे को बेलकर इस स्टफिंग को बीच में रखेंगे और चारों ओर से इसको सील करेंगे। हाथों से इसे हमें बेल लेना है। ये देखिए ये कहीं से भी नहीं फट रहा है। आटा सानने का जो इंस्ट्रक्शन है काइंडली इसको फॉलो करें। इसको थोड़ा सॉफ्ट ही रखना है। ये देखिए ये हमारा पराठा बनकर रेडी है। अब हम इसको सेक लेंगे। अब ये गया आलू का पराठा तवा के अंदर। जैसे ही एक तरफ सिक जाए हम
डालेंगे इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल, आप चाहें तो घी देखिए, अब ये दोनों तरफ से सिक चुका है, अब ये हमारा पराठा रेडी है।